नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। मैंने एक टेलीविजन न्यूज़ चैनल की डिबेट अटेंड करी। चैनल था न्यूज़ एक्स। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने ये डिबेट अटेंड करी बिकॉज दे आस्क्ड मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिबेट। इस डिबेट के ऊपर चर्चा थी कि आमिर खान जी ने सोशल मीडिया क्विट किया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और मेरी क्या राय है। मैंने पहले ही अपने वीडियो में कहा था कि आमिर खान जी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग KRK's ट्विटर अकाउंट, क्योंकि अगर वो इतने पावरफुल होते और इतने ऑब्सेस्ड होते सोशल मीडिया से तो वो खुद सोशल मीडिया क्विट नहीं करते। अब ये जो चर्चा थी, इस चर्चा के अंदर न्यूज़एक्स की जो होस्ट थी, नाम मुझे याद नहीं है, वो एक नैरेटिव फैला रही थी कि बिकॉज आई एम ऑब्वियसली अर्निंग माय ब्रेड एंड बटर फ्रॉम सोशल मीडिया, आई एम एक्टिव ऑन इट, बट आमिर खान बिकॉज ही इज नॉट अर्निंग हिज ब्रेड एंड बटर फ्रॉम सोशल मीडिया, ही इज नॉट एज एक्टिव एंड ही हैज चोजन टू क्विट सोशल मीडिया। यहां पर मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा ब्रेड एंड बटर अर्न नहीं हो सकती। फेसबुक और ट्विटर जब मेरा था बिफोर बीइंग सस्पेंडेड, आई नेवर अर्न अ सिंगल पेनी फ्रॉम इट। यूट्यूब से थोड़ा बहुत कमर्शलाइज गेन होता है, मगर दैट इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू द काइंड ऑफ इनकम आई एम यूज्ड टू, बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु इज यू नो इनैमर्ड बाय सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ द मनी एंगल। आई एम ऑब्वियसली गिविंग माय यू नो इनपुट इन सोशल मीडिया बिकॉज देयर आर थिंग्स दैट आई लाइक टू टॉक अबाउट, आई हैव ओपिनियंस, आई लाइक टू शेयर देम विद एवरीबडी। एंड मैंने ये फेसबुक पे किया जब तक फेसबुक सस्पेंड नहीं हुआ, मैंने ट्विटर पे किया जब तक ट्विटर सस्पेंड नहीं हुआ, इसलिए अब मैं यूट्यूब पे करती हूँ बिकॉज मेरे पास इससे बेहतर कोई दूसरा माध्यम नहीं है। भारत के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाने से पहले आई एम टेकिंग सम टाइम। आई वुड लाइक मोदी जी टू बी ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स फर्स्ट। आई अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड द मिनिस्टर्स आर अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ भारत के प्लेटफॉर्म्स, बट आई वुड लाइक मोदी जी टू फर्स्ट कम ऑन एनी ऑफ द मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म एंड देन आई वुड जॉइन दैट प्लेटफॉर्म बिकॉज आई थिंक आई एम क्वाइट अ सपोर्टर ऑफ मोदी जी एंड एवरीबडी नोज दैट आई काइंड ऑफ ट्रस्ट हिम अ लॉट बिकॉज आई फील ही इज अ बैलेंस्ड प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ते, तब तक मैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर दिखाई दी जाऊंगी टू ऑल द पीपल हु वांट टू हियर माय पॉइंट ऑफ व्यू, मगर दैट डज नॉट डिफाइन द फैक्ट दैट मैं अपना रोजगार अर्न कर रही हूँ फ्रॉम सोशल मीडिया। आई एम जस्ट अ वेरी ओपिनियटेड पर्सन, आई हैव टाइम ऑन हैंड एंड आई हैव यूज दैट टाइम कंस्ट्रक्टिवली टू स्पीक ऑन वेरियस इश्यूज दैट मैटर द सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ दिस कंट्री एंड आई स्पीक अ लॉट regarding my religion because I want people to be proud Hindus. ये मेरी thought process है। ना ही मैं social media में जुड़ती हूँ कुछ free का angle ढूंढने के लिए because बहुत सारे लोग obviously social media से जुड़ते हैं because they want some kind of free deals, but यहाँ पर yes, I believe in collaborations. Collaborations can be barter, collaborations can be paid. It all depends on the type of collaboration that you do with the सामने वाला brand. मगर यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत तरीके का थॉट प्रोसेस फैलाते हैं एंड यही थॉट प्रोसेस को करेक्ट करने के लिए मैं कह रही हूं कि मैंने सोशल मीडिया क्विट नहीं किया बिकॉज आई बिलीव दैट आई एम आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ माय सोशल मीडिया प्रेजेंस, वॉट एवर इट इज, गुड बैड अगली। आमिर खान इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय हिज सोशल मीडिया प्रेजेंस, ही इज आइडेंटिफाइड बाय हिज ब्लॉकबस्टर फिल्म, सो ही कैन अफोर्ड टू लीव सोशल मीडिया एंड वो वैसे भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे। मैं एक्टिव हूं तो जब मुझे ट्रोल्स अटैक करते हैं मैं उनको फ्रस्ट्रेट करने के लिए अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ, सो दैट्स हाउ आई डील विद द ट्रोल्स अटैकिंग मी। अब मोदी जी को भी कितने सारे लोग अटैक करते हैं, मोदी जी पर्सनली तो हर ट्वीट नहीं करते होंगे, हर पोस्ट नहीं करते होंगे, उनकी भी एक टीम होगी एंड ऑब्वियसली वो टीम हैंडल करती होगी ट्रोल्स को। आई डोंट नो बिकॉज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, बिकॉज इफ द राइट विंगर्स लव प्रधानमंत्री जी, लेफ्ट विंगर्स यू नो प्रोजेक्ट दैट दे हेट प्रधानमंत्री जी, सो दैट इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो नरेंद्र मोदी जी का सोशल मीडिया अकाउंट्स भी दोनों प्रकार के रिएक्शंस फेस करता है। तो वो एग्जाम्पल देते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि आई डोंट बिलीव इन रनिंग अवे फ्रॉम अ बैटल फील्ड, आई बिलीव इन फाइटिंग माई बैटल। अगर कोई मुझे अटैक कर रहा है विथ फेक नैरेटिव, आई हैव अ राइट टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट बिलीव एज ऑफ नाउ इन रनिंग अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। और आमिर खान जी क्या रन अवे करके गए हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या उनके पास जेन्युइनली टाइम नहीं है, ये तो उनका थॉट प्रोसेस है, बट ही हैज सेड डोंट स्पेक्यूलेट ऑन माय एक्शंस एंड आई एम जस्ट टेलिंग वन थिंग दैट लुकिंग एट दिस बिहेवियर
बिहेवियर ऑफ आमिर खान. आई कैन जस्ट से वन थिंग दैट ही वॉज नॉट द पर्सन टू सस्पेंड के आर के's अकाउंट. के आर के's अकाउंट गॉट सस्पेंडेड ड्यू टू अदर रीजन्स, बट ब्लेम आया आमिर खान के ऊपर, विच आई फील वॉज रॉन्ग एंड विच वॉज नॉट फेयर. बिकॉज अब सुशांत सिंह राजपूत मामले के ऊपर मैं बोल रही थी एंड मेरा ट्विटर अकाउंट उड़ा, आई वॉज टोल्ड दैट मे बी सलमान खान्स पी आर टीम इज बिहाइंड इट एंड आई बिलीव्ड दैट एंड दैट वॉज माई मिस्टेक एंड आई रिट्रैक्ट दैट स्टेटमेंट बिकॉज माई ट्विटर अकाउंट वॉज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ सम नोटिस सेंट टू देम बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी और अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एज पर टोल्ड टू मी इन द ईमेल. तो ये मैं क्लैरिफिकेशन कर रही हूँ कि जानबूझ के ना मैं फेक नैरेटिव फैलाती हूँ, ना मैं झूठ के साथ खड़ी रहती हूँ और मैं अपनी लड़ाइयाँ लड़ती हूँ. नमस्ते, जय हिंद.